नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तरकाशी में होटल एसोसिएशन ने गंगोत्री हाईवे को जाम किया। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता और चार धाम में यात्रियों की सीमित संख्या समाप्त करने के लिए गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बधेड़ी बाईपास के पास होटल व्यवसायी ने गंगोत्री हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे काफी समय तक गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद रहा। साथ ही थराली में भी होटल व्यवसायियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि बीच यात्रा काल के मध्य शासन ने यात्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पंजीकरण न होने के कारण एडवांस बुकिंग कैंसिल हो रही है। हजारों यात्री हरिद्वार ऋषिकेश में लाइन में पंजीकरण के लिए खड़े हैं। यात्रा मार्ग के अधिकांश होटल के कमरे खाली पड़ रहे हैं। लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट करने के बाद बैंक की किश्त देनी होटल व्यवसायियों के लिए मुश्किल हो रही है। शाजापुर थाने में खड़े वाहनों में भीषण आग लग गई। दो चौपहिया वाहन जलकर राख हो गए। आग लगने से थाने में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। निगोई थाने का एक पूरा मामला। जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया। सीएम योगी के जन्मदिन पर बाबा का बुलडोजर चर्चा में रहा। सिद्धार्थनगर ब्लॉक मासी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सतवड़ी में सन 2017 बांध टूटने के कारण कई घर बहकर जलमग्न हो गए थे, जो पूरे जिले में बाढ़ के कारण चर्चा का विषय बना हुआ था, जिससे कई लोगों को काफी क्षति हुई थी, जिसमें कुछ लोगों को मुआवजा तक नहीं मिल सका। वो लोग आज भी घास फूस के बने झोपड़े में रहने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ सरकार दावा कर रही थी कि 2022 तक जो पात्र परिवार हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2017 में सतवाड़ी बांध टूटने की वजह से दर्जनों से ज्यादा गाँव महरूम हो गए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, ऐसा है कि बहुत से घर ऐसा गिर गया था, लेकिन कुछ लोगों को तो कुछ मुआवजा मिल गया, लेकिन उनको आवास नहीं मिला। एकाध दो का हो सकता है, लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे ही पड़े हैं, और जो प्रधान थे वो भी नहीं कुछ कर पाए, सरकार भी नहीं कुछ उनका ध्यान दिए। लेकिन अभी मैं आया हूँ वर्तमान में, अभी मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, सरकार इनको दे दें, बहुत गरीब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासनकाल के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थानीय भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जनपद मुख्यालय पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद जगदम्बिका पाल ने पिछले 8 सालों में केंद्र में मोदी सरकार द्वारा किए गए जनहित और लोक कल्याणकारी कार्यों का बखान किया। सांसद जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों, गरीबों, युवाओं सहित समाज के हर तबके के लिए हर क्षेत्र में विकास का काम किया। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण गरीबों को इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3,25,00,000 पक्के आवास प्रदान किए। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों की संख्या में घरेलू शौचालय का निर्माण कराया। सौभाग्य योजना के तहत गाँव के हर घर में सहज बिजली उपलब्ध कराई है। जो देश की आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सपना देखा था कि देश अगर आज़ाद होगा तो सभी के पास घर होगा, सभी के पास पक्की छत होगी, सबके घर में टॉयलेट होगा, सबके घर में क्लीन एनर्जी का गैस का चूल्हा होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, आज देश की आज़ादी के बाद से बुनियादी तौर से जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया प्रधानमंत्री के रूप में, 18,000 गाँव विद्युतीकरण से वंचित थे। उन्होंने संकल्प लिया लाल किले से कि हम देश के, चाहे वो माना हो उत्तराखंड का, चाहे नॉर्थ ईस्ट का कोई गांव हो, हम 18,000 गांव को विद्युतीकरण से संतृप्त करेंगे। और फिर 18,000 गांव के विद्युतीकरण करने के बाद उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत तय किया कि हम सौभाग्य योजना में देश के हर घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन देंगे। तो ये एक नए आत्मनिर्भर भारत का संकेत है। अगर पिछले 8 वर्षों के हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल का मूल्यांकन करें तो वो केवल 8 वर्ष का कार्यकाल सेवा का कार्यकाल रहा है, सुशासन का कार्यकाल रहा है, गरीब के कल्याण का कार्यकाल रहा है।
अलीगढ़ में हिंदू महासभा के मुख्यालय आजाद भवन पर कार्यकर्ताओं ने खून से राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा जिसमें जुम्मे की नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस दौरान हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पूजा शुकुन पांडे और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारतीय और राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे मौजूद थे। इस दौरान दीवारों पर विवादित स्लोगन भी लेकर कार्यकर्ताओं ने चिपकाए हुए थे जिसमें लिखा था जुम्मे की नमाज और नाम पर आतंकी के काम पर जुमे की इबादत या आतंकवादी को कवायद जुमा नहीं आतंक दिवस जुमे की भीड़ पर रोक लगाओ जुमे की भीड़ आतंकियों की रीढ़ है जुमे की भीड़ को प्रतिबंध करो जुमे की इबादत की आड़ में आतंक को बंद करो। इस तरह के विवादित स्लोगन दीवारों पर कागज पर लिखाकर चिपकाए हुए थे। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के रूप में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अपर सिटी मजिस्ट्रेट कुंवर बहादुर सिंह को यह लेटर लिखा है। बिजनौर में खड़ी बाइक में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से अफरातफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट और भीषण गर्मी आग की वजह बताया जा रहा है। थाना नूरपुर के हरौली इलाके का एक पूरा मामला। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र स्थित कोयला अलीपुर घाट पर चार बच्चे यमुना में डूबने से हड़कंप मच गया। घाट के नजदीक स्थित एक कॉलोनी निवासी बच्चे यमुना पार कर रमणरेती घूमने आए बच्चे जब वापस आ रहे थे तभी हादसा हो गया। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। ये घटना थी कि चार बच्चे रमण रेती आए थे नहाने के लिए। उनमें से नाव वालों ने बोला दो बंदे नाव में बैठ गए और तीन बंदे जब नाव में अपने समझा कि कम पानी है और ना कहते हुए उसमें कूद गए। कूदते समय पे क्या हुआ कि तीनों लोग डूबने लगे तो एक बंदा हम लोग में से आया और उसको बचाया। तो बचाने के टाइम पर दो बंदों को बचा लिया गया और एक बंदे का हाथ छूट गया। तो अभी उसको दो ढाई घंटे हो गए हम लोग को ढूंढते ढूंढते अभी आपके सामने मिला है और ये नहीं बता सकते क्या हुआ या नहीं हुआ। प्रतापगढ़ के कोहडोर थाना क्षेत्र केधरौली में कुएं के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। 3 जून को इस विवाद में एक वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई थी जिसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार के इनकार कर दिया था। प्रशासन ने काफी मान मुलवर के बाद परिजनों को मनाया तो कुंठौर पुलिस की कार्यशैली से इलाके में खासा आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा है। ऋषिकेश के रायवाला थाना अंतर्गत सौंग नदी में नहाने के दौरान देहरादून के युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वही ऋषिकेश में मुनिकीरीति थाना क्षेत्र अंतर्गत शीशम झाड़ी स्थित गंगा घाट पर एक 5 वर्षीय बालिका गंगा में बह गई। परिजनों के माध्यम से पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ को सूचना मिली। तत्काल मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी सर्च अभियान चलाकर 5 वर्ष की बच्ची को बचाने की कोशिश की लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं लग पाया है। शावसी में बाइक और बलेरो की जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार अधेड़ को तेज रफ्तार बलेरो ने रौंद दिया। बाइक सवार के मौके पर ही दर्दनाक हुई। बाइक सवार व्यक्ति नगर पालिका में इस पद पर कार्यरत था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हिंदू युवा वाहिनी सहारनपुर के द्वारा हसनपुर चुंगी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर प्यायू लगाकर मीठा शरबत पिलाया गया। गर्मी में लोगों ने मीठा शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाई। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना कर उनके अच्छे कार्यों की सराहना की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कैलाशपुर रेंज कार्यालय परिसर अंबेडकर पार्क कैलाशपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा विधायक राजीव गुंबर और विशिष्ट अतिथि आरएसएसपी के अध्यक्ष अभिजीत सैनी मौजूद रहे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में और यहां पर भाग लेते हुए तमाम अधिकारी नजर आए। श्रावस्ती के थाना कोतवाली क्षेत्र भिंगा अंतर्गत भंगा चौकी पुलिस का सराहनीय कार्य देखने को मिला है। आपको बता दें कि भंगा पुलिस के धोबियनपुरवा निवासी शिव कुमार की पत्नी गांव में स्थित कोठे की दुकान पर राशन लेने गई हुई थी तभी बच्चे घर में मां को ना पाकर मां की तलाश में गांव के बाहर ढूंढते ढूंढते चले गए। मां जब घर पहुंची तो बच्चे घर पर नहीं थे। गांव में ढूंढने पर भी बच्चे का कोई अता पता नहीं चला जिसके बाद कोई बच्चों की सूचना भंगा चौकी प्रभारी राणा विशाल प्रताप सिंह को दी गई। चौकी प्रभारी तत्काल बच्चों की तलाश के लिए हेड कांस्टेबल सुरेश शाही को भेजा तो बच्चे मशुआ रोड पर मशुआ की तरफ जाते हुए पाए गए जिनको लाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया है। इस सराहनीय कदम से आमजन बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
चमोली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जगह जगह जन जागरूकता रैलियों के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पिंडर घाटी के कुलसारी में पिंडर घाटी बहुउद्देशीय विकास एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित 5 दिवसीय अभिनीति बांधनी महोत्सव का रंगारंग आगाज शुरू हो गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।